इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रूस से, वैगनर ग्रुप के प्रमुख की मौत की खबर आ रही है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच प्लेन क्रैश हुआ, विमान हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है और हादसे में वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत का दावा किया जा रहा है। वैगनर चीफ ने रूसी सेना के खिलाफ कुछ दिनों पहले विद्रोह किया था, हालांकि बाद में उन्हें माफी मिल गई थी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि विमान हादसे में जो 10 लोगों की मौत हुई है उसमें वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन भी शामिल है। वहीं रूस की ओर से इस दुर्घटना को यूक्रेन की साजिश करार दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की मौत का दावा किया जा रहा है। रूस में बड़ा विमान हादसा हुआ है, इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है, तस्वीरें भी सामने आई हैं और इसमें वैगनर ग्रुप के प्रमुख के मरने की खबर आ रही है। आपको बता दें वैगनर ग्रुप जो कि यूक्रेन की लड़ाई में, यूक्रेन के साथ युद्ध में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है, प्राइवेट मिलिशिया ग्रुप है वैगनर ग्रुप, और कुछ दिनों पहले वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने बगावत की थी। हालांकि बेलारूस के दखल के बाद उनको माफी दे दी गई थी पुतिन की तरफ से। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू, रूस ने इस घटना का ठीकरा यूक्रेन के सर पर फोड़ा है। हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, एक विवादास्पद शख्स की मौत की खबर आ रही है और इस मामले में अब एक बड़ा रहस्य कि आखिरकार प्रिगोजिन की हत्या या मौत जो हुई है इसके पीछे कौन जिम्मेदार? देखिए चंदन, अभी जो खबर रूस से निकलकर सामने आ रही है, मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में उत्तरी मॉस्को में एक विमान हादसा हुआ है, एक प्राइवेट जेट था ये जिसमें 10 लोग सवार थे, 7 यात्री और 3 क्रू मेंबर इस जेट में मौजूद थे। और ऐसा दावा किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि इस प्राइवेट जेट में वो शख्स भी मौजूद थे जिन्होंने पुतिन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था, हालांकि वो नाकाम था। प्रिगोजिन के भी इसमें मौजूद रहने की आशंका व्यक्त की गई है और अभी तक जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक कि प्रिगोजिन भी इस प्लेन में थे और उनके मौत की आशंका है। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर रूस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि प्रिगोजिन इस जेट में मौजूद थे या नहीं, लेकिन कई जो एजेंसीज हैं उनका ये दावा है, न्यूज एजेंसीज की, इसमें प्रिगोजिन भी मौजूद थे इस जेट में और उनकी मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रिगोजिन वो शख्स हैं जिन्होंने इसी साल एक सशस्त्र विद्रोह किया था रूस की सेना के खिलाफ, पुतिन के सबसे करीबी माने जाते थे, एक समय में 90 के दशक से व्लादिमीर पुतिन के दोस्त माने जाते थे, बेहद करीबी माने जाते थे। लेकिन इस साल प्रिगोजिन ने रूस के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया था, हालांकि बाद में माफी मांगी थी और ये पूरा नाकाम रहा था उनका विद्रोह। उसके बाद बेलारूस ने इसमें मदद की थी, बीच बचाव किया था और हमें जो जानकारी मिल रही है कि आज ही अफ्रीका से मॉस्को लौटे थे प्रिगोजिन और साथ ही यहाँ पर मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जो कि उनका शहर माना जाता है जहां पर वो पहले रहा करते थे काफी समय तक, वहां की यात्रा कर रहे थे प्रिगोजिन और इस बीच जो प्लेन था वो क्रैश हुआ है जो अभी तक सूचना मिल रही है। लेकिन इसके पीछे कई सारी थ्योरी जन्म दे रही हैं कि क्या प्लेन को उड़ाया गया, क्या प्लेन में बम था। आखिरकार जो प्रिगोजिन की मौत की खबर सामने आ रही है उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, क्या ये किसी टेक्निकल गड़बड़ी के कारण ये प्लेन क्रैश हुआ है या इसके पीछे किसी का हाथ है, क्योंकि कई सारे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। थोड़ा इंतजार करना होगा आधिकारिक तौर पर जब इस खबर की पुष्टि होती है, लेकिन फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि प्रिगोजिन जो कि एक समय में पुतिन के बेहद करीबी थे, मौजूदा समय में उन्होंने पुतिन के खिलाफ विद्रोह किया था, उसके बाद बेलारूस के बीच बचाव के बाद इस विद्रोह को रोका गया था और अब प्रिगोजिन के मौत की खबर सामने आ रही है रूस से जो कि मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में प्लेन में यात्रा कर रहे थे, कि प्राइवेट जेट था और इसमें कुल 10 लोग सवार थे। फिलहाल रूस की सरकार की तरफ से क्या आधिकारिक बयान आता है इसका इंतजार करना होगा। बिल्कुल, आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा और इस बीच खबर यह आ रही है कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले में रूस की सरकार की ओर से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत का दावा किया जा रहा है, 10 लोगों की जो मौत हुई है और विमान हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रिगोजिन विवादास्पद शख्सियत, पहले वैगनर ग्रुप जो कि एक प्राइवेट मिलिशिया है यूक्रेन में, उसके ऊपर बढ़ चढ़ करके
हिंसा करने का आरोप लगा था, अत्याचार करने का आरोप लगा था इस ग्रुप पर, और बाद में वैगनर ग्रुप की ओर से बगावत की खबर आई थी। और ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर प्रिगोजिन की मौत अगर हुई है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था, जो बगावत थी उसका कोई कनेक्शन है इस हादसे से, या फिर जिस तरह का आरोप यूक्रेन पर लगाया जा रहा है ये आरोप सही हो सकते हैं? बड़े सवाल हैं जो कि इस हादसे के बाद अब उनके जवाब तलाशे जाएंगे। हालांकि सच सामने आएगा या नहीं ये आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत का दावा किया जा रहा है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, अगर प्रिगोजिन की बात की जाए तो दोस्त से बगावत करने वाला, बाद में फिर माफी भी मिल गई थी, यह भी माना गया था कि वो इतने करीबी हैं, उन्हें तो पुतिन का शेफ भी कहा जाता था, और कहा यह गया था कि वो पूरा एक स्टेज ड्रामा था जो कि पुतिन ने कहीं ना कहीं अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए, किनारे करने के लिए किया था। देखिए, बिल्कुल इस तरह की चर्चाएं भी काफी हुई थी जब जून के महीने में ये सशस्त्र विद्रोह किया गया था प्रिगोजिन के द्वारा रूस की सेना के खिलाफ, पुतिन के खिलाफ। हालांकि प्रिगोजिन, जैसा कि आपने जिक्र किया, कि वो एक समय में व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबियों में से एक गिने जाते थे। वो अपनी प्राइवेट आर्मी चलाते थे जो पुतिन की मदद किया करती थी, और साथ ही जैसा कि आपने जिक्र किया कि पुतिन के शेफ के तौर पर भी इनकी पहचान थी। और ये भी माना जाता है कि लगातार जो सेंट पीटर्सबर्ग शहर है वहीं पर व्लादिमीर पुतिन और इनकी दोस्ती हुई थी प्रिगोजिन की। और अब जिस तरह की खबरें फिलहाल सामने आ रही हैं, क्योंकि इसमें कई सारी थ्योरी जन्म लेंगी, कई सारे सवाल इसमें खड़े होंगे। कुछ लोग इस बात का भी दावा करेंगे कि यूक्रेन की तरफ से ये प्लेन को मार गिराया गया है। कुछ लोग ये भी थ्योरी इसमें देंगे कि कहीं इसमें रूस का ही हाथ तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सवाल अब इसमें जरूर खड़े होंगे। जो अभी तक सूचना सामने आ रही है, इस प्राइवेट जेट में कुल 10 लोग यात्रा कर रहे थे, 7 पैसेंजर्स थे, 3 क्रू मेंबर्स थे, और उत्तरी मॉस्को में ये विमान क्रैश हुआ है। सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, क्या किसने आखिरकार इस प्लेन को, क्या किसी ने मार गिराया, या ये टेक्निकल गड़बड़ी के कारण प्लेन स्वतः क्रैश हुआ है? क्योंकि जिस तरह से सशस्त्र विद्रोह की कोशिश की गई थी यहाँ पर रूस के खिलाफ, पुतिन के खिलाफ प्रिगोजिन के द्वारा, उसके बाद बेलारूस की मदद से बीच बचाव के जरिए ही इस विद्रोह को रोका गया था, और उसके बाद जो प्रिगोजिन की आर्मी थी वो बेलारूस की तरफ भी गई थी। और आज जो अभी सूचना मिल रही है कि प्रिगोजिन आज ही अफ्रीका से लौटे थे और उनके साथ तमाम उनके कमांडर्स भी मौजूद थे, लेकिन थोड़ा और इंतजार हमें करना होगा। अभी ये दावा ही है, आशंका ही व्यक्त की जा रही है कि उस प्लेन में प्रिगोजिन मौजूद थे, और प्रिगोजिन के मौत को लेकर आधिकारिक पुष्टि रूस की तरफ से अभी तक नहीं की गई है, जिसका इंतजार है। और यहाँ पर क्योंकि रूस का बयान क्या सामने आता है, रूस की सरकार का, इसका सभी को इंतजार है, क्योंकि जिस तरह से सूचनाएं सामने आ रही हैं उससे कई सारी थ्योरी खड़ी होंगी, कई सारे सवाल खड़े होंगे। फिलहाल आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है रूस की तरफ से। चंदन जी, बिल्कुल। और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि जैसा कि आपने बताया कि प्रिगोजिन के साथ उनके कमांडरों के भी मारे जाने की खबर आ रही है। विशाल, कुछ समय पहले ऐसी खबरें आई थी कि कहा जा रहा था कि वहां रूस की जो सरकार है या वहां के जो रक्षा मंत्रालय है वो ये चाहता था कि जो वैगनर ग्रुप के लोग हैं वो सशस्त्र सेना में शामिल हो जाएं, यानी कि वो सेना का हिस्सा बन जाएं। तो कहीं ना कहीं एक थ्योरी ये भी बनती है कि अगर प्रिगोजिन मारे गए, उनके कमांडर मारे गए, तो अब वैगनर ग्रुप का क्या होगा? देखिए, अगर एवगेनी प्रिगोजिन इस विमान क्रैश में मारे गए हैं और उनके कमांडर्स भी उनके साथ में थे, तो ये एक बड़ा झटका उनके उस पूरे ग्रुप को है जो काफी लंबे समय से चला रहे थे एक प्राइवेट आर्मी के तौर पर। क्योंकि प्रिगोजिन जो कि विद्रोह की कोशिश कर चुके हैं रूस में, रूस की सेना के खिलाफ बगावत कर चुके हैं, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत कर चुके हैं, और जिस तरह की सूचना आ रही है, आशंका व्यक्त की जा रही है कि यहाँ पर एवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई है, उनके कमांडर्स भी उनके साथ में थे, तो इसके बाद जो उनकी प्राइवेट आर्मी है वो कहीं ना कहीं तितर बितर जरूर हो जाएगी। उसको आगे कौन संभालेगा, या कोई संभालने वाला आगे आएगा भी या नहीं, ये भी कई सारे सवाल खड़े होंगे। क्योंकि रूस की सेना, रूस का रक्षा मंत्रालय ये जरूर चाहता था कि ये रूस की सेना के साथ ये आर्मी अपना विलय कर ले, जो प्राइवेट आर्मी यहां पर प्रिगोजिन की थी। जीन